और कार्डियक थ्रोम्बोसिस पढ़ रहे थे, तो एथेरोस्क्लेरोसिस हमारी मेजर कॉज होती है आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस का, क्योंकि ये ना एसोसिएटेड होती है लॉस ऑफ द एंडोथेलियल इंटेग्रिटी के साथ एंड विद द एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन प्रीडिस्पोज कर सकता है टू द कार्डियक म्यूरल थ्रोम्बाई बाय कॉजिंग डिसकाइनेटिक मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन और एंडोकार्डियल इंजरी। और रूमेटिक हार्ट डिजीजेज में इन जेंडर एट्रियल म्यूरल थ्रोम्बाई बाय कॉजिंग एट्रियल डायलेशन एंड फिब्रिलेशन। दोनों कार्डियक और एओर्टिक म्यूरल थ्रोम्बाई प्रोन होते हैं इमोबिलाइजेशन को, ऑल्दो एनी टिश्यू अफेक्ट हो सकता है, ब्रेन हो गई, किडनी हो गया, स्प्लीन हो गई, पार्टिकुलरली लाइकली टारगेट्स होते हैं क्योंकि इनमें रिच ब्लड सप्लाई होती है। अब समरी देख लेते हैं, तो थ्रोम्बोसिस जो है वो थ्रोम्बोसिस डेवलपमेंट होती है रिलेटेड टू द वन और मोर कंपोनेंट ऑफ द विर्चुअस ट्रायड। एंडोथेलियल इंजरी हो गई टॉक्सिन्स की वजह से, हाइपरटेंशन, इन्फ्लामेशन या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स की वजह से, या कोई एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हुआ है, स्टेसिस हुई है या टर्बुलेंस की वजह से, जो एग्जांपल रिजल्टिंग फ्रॉम द एन्यूरिज्म या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। इसके अलावा हाइपरकोएगुलेबिलिटी में भी थ्रोम्बस की डेवलपमेंट होती है, या तो प्राइमरी होगी जैसे कि फैक्टर 5 लेडन इंक्रीज्ड प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस, या फिर एंटी थ्रोम्बिन 3 की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर सेकेंडरी भी हो सकती है जैसे कि बेड रेस्ट में टिश्यू डैमेज की वजह से, मैलिग्नेंसी की वजह से। थ्रोम्बाई प्रोपागेट करते हैं, रिजोल्व कर जाते हैं और ऑर्गेनाइज हो जाते हैं या इम्पोलाइज कर जाएंगे। थ्रोम्बोसिस टिश्यू की इंजरी कराती है लोकल वास्कुलर ऑक्लूजन की वजह से या फिर डिस्टल इम्पोलाइजेशन की वजह से। अब देखते हैं डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। DIC जो है ना वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस होती है हमारी माइक्रो सर्कुलेशन में वाइड स्प्रेड, जो कि रिजल्ट करती है सडन या इंसीडियस ऑनसेट उसका होता है। ये देखी गई है डिसऑर्डर जो रेंज करते हैं ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन से लेके एडवांस्ड मेलिग्नेंसी तक। टू कॉम्प्लिकेट मैटर्स, वाइड स्प्रेड माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस कंज्यूम करती है प्लेटलेट्स को और कोएगुलेशन प्रोटीन्स को, ठीक है, हैंस सिनोनिम कंजप्टिव कोएगुलोपैथी, इसका नाम सिनोनिम है कंजप्टिव कोएगुलोपैथी, प्लेटलेट्स और कोएगुलेशन प्रोटीन्स को ये कंज्यूम कर रही है। एट द सेम टाइम फिब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म भी एक्टिवेट होते हैं DIC में। देखिए नेट रिजल्ट होगा एक्सेसिव क्लॉटिंग होगी, ब्लीडिंग को एग्जिस्ट कर रही होगी इन द सेम पेशेंट। ये डिस्कस हुआ है चैप्टर में 12 में डिटेल में अलॉन्ग विद अदर ब्लीडिंग डायस्थेसिस। नेक्स्ट है एम्बोलिज्म। एम्बोलस डिटैच्ड इंट्रावास्कुलर सॉलिड लिक्विड या गैशियस मैस होता है जो कि कैरी होता है ब्लड में से फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन से टू द डिस्टेंट साइट, जहाँ पर ये ऑफन टिश्यू का डिसफंक्शन करवा देता है या फिर उसकी इन्फार्क्शन। वास्ट मेजोरिटी हमारे एम्बोला ड्राइव होते हैं डिसलोज थ्रोम्बस की वजह से, हैंस टर्म थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। लेस कॉमनली एम्बोलाई ना फैट के बने होते हैं, फैट ड्रॉपलेट्स के, बबल्स ऑफ द एयर के, नाइट्रोजन के, एथरोस्क्लेरोटिक डेबरिस के, कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई, ट्यूमर फ्रेगमेंट्स के, बिट्स ऑफ द बोन मेरो के, एमनियोटिक फ्लूड से भी बनते हैं। इनएविटेबली एम्बोलाई लॉज करता है इन द वेसल्स टू स्मॉल जो कि परमिट ना करें फर्दर पैसेज, रिजल्टिंग इन द पार्शियल या कम्प्लीट वास्कुलर ऑक्लूजन करा देते हैं, डिपेंड करता है साइट ऑफ ओरिजिन पे। एम्बोलाई अरेस्ट हो जाते हैं कहीं भी इन द वास्कुलर ट्री। प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस सिस्टेमिक एम्बोलिज्म का होता है इस्केमिक नेक्रोसिस यानी इन्फार्क्शन डाउन स्ट्रीम टिश्यूज़ की, जबकि एम्बोलाइजेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन में हाइपोक्सिया करवाती है, हाइपोटेंशन या फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर। फिर है पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोला हमारे ओरिजिनेट करते ही डीप वॉइन थ्रोम्बोसिस में से हैं और ये ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़। इंसिडेंस हमारी पल्मोनरी एम्बोलिज्म का 2 से 4 पर 1000 हॉस्पिटलाइज पेशेंट होता है, ऑल्दो रेट फेटल है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का और ये डिक्लाइन हुआ है कंसिडरेबली सिंस 1900 से। पल्मोनरी एम्बोलिज्म स्टिल 100,000 डेथ होती है हर साल US में। मोर देन 95% ऑफ द केसेस वीनस एम्बोलाई के ओरिजिनेट करते हैं थ्रोम्बाई से विद इन द डीप लेग वेन्स प्रॉक्सिमल टू द पॉपलीटियल फोसा। इमोबिलाइजेशन फ्रॉम लोअर लेग थ्रोम्बाई इज अनकॉमन, लोअर लेग से इतना कम अनकॉमन, पॉपलीटल फोसा से ऊपर वाले से होता है। फ्रेगमेंटेड थ्रोम्बाई हमारे डीप वेन थ्रोम्बोसिस से कैरी होते हैं प्रोग्रेसिवली लार्जर चैनल्स के जरिए और यूजुअली पास करते हैं थ्रू द राइट साइड ऑफ द हार्ट बिफोर अरेस्टिंग इन द पल्मोनरी वास्कुलेचर। साइज पे डिपेंड करता है, पल्मोनरी एम्बोलाई ओक्लूड कर सकता है मेन पल्मोनरी आर्टरी को, डिसलोज करता है, लोज होता है बायफर्केशन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज की जगह पे, सैडल एम्बोलिस इसको कहा जाता है, या फिर पास कर जाता है इनटू द स्मॉलर ब्रांचिंग हमारे आर्टेरियोल्स में।
ये फिगर देखिए, इसमें एम्बोलाई जो है फ्रॉम अ लोअर एक्सट्रीमिटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस से दिखाया गया है और ये लॉज हुआ है पल्मोनरी आर्टरी ब्रांच में। फ्रीक्वेंटली मल्टीपल एम्बोलाई होते हैं आइदर सीक्वेंशली या फिर एज अ शोवर ऑफ स्मॉलर एम्बोलाई फ्रॉम अ सिंगल लार्ज थ्रोम्बस। एक पेशेंट जो कि इसको एक एम्बोलस होता है वो ज़्यादा इंक्रीज रिस्क पे होता है फॉर हैविंग मोर। रेयरली एम्बोलस पास होता है थ्रू एन एट्रियल या वेंट्रिकुलर डिफेक्ट और एंटर कर जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म इसको कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। अ मोर कम्प्लीट डिस्कशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म की चैप्टर 13 में है। मेजर क्लिनिकल और पैथोलॉजिक फीचर इसके फॉलोइंग है। हमारे मोस्ट पल्मोनरी जो एम्बोलाई हैं 60-80% वो स्मॉल होते हैं, क्लिनिकली वो साइलेंट होते हैं। टाइम के साथ इनमें ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं हमारे वास्कुलर वाल में इन सम केसेस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलाई लीव कर जाती है बिहाइंड ब्रिजिंग फाइब्रस वेब्स। एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम एक लार्ज एम्बोलस जो कि ब्लॉक करता है हमारी मेजर पल्मोनरी आर्टरी को वो सडन डेथ भी करा सकता है। एम्बोलिक ऑब्स्ट्रक्शन हमारी मीडियम साइज आर्टरीज की और सब्सिक्वेंट रप